मैं बन गया चैंपियन। बात है चैंप। डॉज बॉल जिम क्लास की एक ही अच्छी बात। ओ या ये सब क्या है बटॉस्की? ये तो स्कूल का नियम है, हर विद्यार्थी को एक स्पोर्ट चुनना ही होता है। और बटॉस्की तुम्हें भी इसमें से कुछ ना कुछ चुनना ही होगा। इसने बुनोगा चुना है, इसका मतलब पता है? बुनाई और योगा का संगम, समझे? उसमें धमाल होता है? हाँ, बुनोगा होता है शांति के लिए, धमाल के लिए नहीं। जिम में इतना बढ़िया डॉज बॉल ग्राउंड है, फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? बुनाई और योगा, क्या तुम्हें पता है ना तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे यहाँ से भागना है। बटॉस्की सर, क्या हुआ? हाँ बटॉस्की, मेरी नजर है तुम पर, तुम में दम है बटॉस्की, बहुत दम। मैं तुम्हें खिलाड़ी बना सकता हूँ, कड़ी ट्रेनिंग देकर मैं तुम्हें चैंपियन बना सकता हूँ, और मैं तुम्हें बना सकता हूँ एक स्पोर्ट्स स्टार। खेल में नहीं शुक्रिया, स्पोर्ट्स क्लास से छुटकारा चाहिए। मैं तैयार हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे नए खिलाड़ियों को ट्रेन करके चैंपियन बनाया है, जैसे कुकी एट कैपिलिटी, उसे जीरो से बास्केटबॉल हीरो बना दिया, और वो लैंकी लेग्स लासन एक कदम ठीक से नहीं रख पाता था, उसे चैंपियन ट्रिपल जंपर बना दिया। और ये कौन है? नूडल आर्म न्यूमन, इसे भी मैंने ही मौका दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। वाओ, ये करते क्या थे? मूंगफली बेचता था, पर सबसे बेहतरीन तरीके से बेचता था, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसके जैसा कोई मिल जाए तो मैं खुशी से रिटायर हो जाऊं। कब से ऐसा कोई ढूंढ रहा हूं जो करके दिखाए, कोई ताजा तरीन, कोई ऐसा मिले जो मेहनत करना चाहता हो। बटॉस्की तैयार हो जाओ बनने के लिए चैंपियन, और जिम क्लास से बाहर निकलो, और स्पोर्ट्स क्लास से बाहर निकलो। बटॉस्की क्या कर रहे हो तुम? जो मैं हमेशा करता हूँ, डॉज बॉल ट्राई कर रहा हूँ इस नेट के साथ। यानी तुम्हें कोई नियम नहीं पता है ना? ओके, तो तुम्हें डॉज बॉल पसंद है। देखो इस खेल के कुछ नियम है, वो तुम्हें सीखने होंगे। नियम? एक बॉल है, उसे डॉज करना है। वॉलीबॉल में भी ऐसा ही होता है, एक बॉल होता है जिसे नेट के ऊपर से वॉली करना है, या फिर इसे सीधा लोगों पर फेंकूं। तुम अगर नियम नहीं सीखोगे तो मैं तुम्हें चैंपियन कैसे बनाऊंगा? मेरे हिसाब से तुम्हें जिम क्लास में वापस जाना चाहिए। वॉली करूं ऐसे? गुड, अब जवाब में बॉल हिट करो तो जोर से करो, ताकि दूसरी टीम को जोर का झटका लगे। जोर से हिट करना है, समझ गया। जोर का झटका। तुमने नेट को गुलेल समझा है क्या? जोर का झटका, जैसा आपने कहा था, मुझे ये नियम पसंद आया। तुमने तो अकेले ही पूरी की पूरी वॉलीबॉल टीम को हरा दिया। वॉलीबॉल में इनको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ओके, तुम्हें बॉल नेट में चाहिए, ठीक है, तो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या खेलना चाहिए। मैंने कोई तुम्हारी तारीफ नहीं की। मतलब क्या ये कोई फाउल है? 23 राज्यों में इसे गलत ही माना जाता है। तुम ठीक से खेलना नहीं चाहते हो तो जिम क्लास में ही रहो। मैं ठीक से खेलूंगा, लेकिन खेलूं कैसे? बड़ी सीधी बात है, बॉल को उठाओ,
और बास्केट में डालो बिना कोई गलती किए। चलो चैंप, बॉल को बास्केट में डालो। बास्केट ये देखो। ये कोई ट्रैम्पोलिन्स नहीं है। तुम ये कर दिखाओ कोच स्टनबैक, उसकी कमजोरी को ताकत में बदलो। तो तुम्हें तोड़फोड़ पसंद है हा? तो चलो वैसा ही खेल चुनते हैं जिसमें खूब तोड़फोड़ हो। आपने कहा तोड़फोड़, लेकिन अगर ऐसा कोई खेल है तो मुझे उसमें मजा आएगा। ध्यान से सुनो और ऐसा ही करो, सामने वाले को चकमा देकर दूर खड़े उस खिलाड़ी तक बॉल फेंको। मैं चाहता हूँ कि तुम बस इतना ही करो। अभी करता हूँ सर। रेडी स्टेडी गो। सामने वाले खिलाड़ी को चकमा देना है। दूर खड़े उस खिलाड़ी तक बॉल फेंको। मुझे पास करो। सही है पटॉस्की, तुमने बात सुनी। क्या करो तुम? गलत तरीका, उस तरफ भागो। तो बताइए सर, मेरी तोड़फोड़ आपको कैसी लगी? जोर से लग गई क्या? बटोस्की, वैसे भी इस खेल के लिए हमें एक विद्यार्थी की कमी थी, वो रहा तुम्हारा साथी। जल्दी करो बटोस्की, मैं और स्थिति में बैठ नहीं सकता। ठीक है, तो अब कौन सा खेल खेलेंगे? खेल खत्म, बस हुआ बच्चे। क्या, लेकिन आपने तो कुछ सिखाया नहीं। तुम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं किक, तुम तो एक जाबाज खिलाड़ी हो। क्या आपने छोटी आँख वाली कैपिलिटी और पतली टांग वाले लार्सन को छोड़ दिया था? लंबे हाथ वाला न्यूमन औसम उपली वाला कैसे बनता अगर आप उन सबको छोड़ देते? ओके बटोस्की, इस स्कूल का बस एक ही खेल बाकी है, वो भी तुम नियम के अनुसार नहीं खेलोगे तो तुम्हें जिम क्लास में वापस भेज दिया जाएगा। ये 400 मीटर की दौड़ है, मैं सीटी बजाऊंगा, तुम दौड़ोगे। तुम्हें कोई अपने हाथों के बल नहीं दौड़ना या विमान नहीं उड़ाना, बस पैरों के बल जमीन पर दौड़ना है, लाइंस के बीचों बीच, कहीं भी हाथ मत लगाना, समझे? यहाँ से लेकर फिनिशिंग लाइन तक दौड़ना है और कहीं नहीं, समझे बच्चे? समझ गया। रखो कि तुम नियम के अनुसार दौड़े और तुम आखिरी खिलाड़ी से 30 सेकंड ही पीछे रहे। मुझे माफ करना कि यहाँ भी तुम फेल हो गए। मतलब आपको आपका चैंपियन नहीं मिला? यानी कि तुम जिम क्लास से बाहर नहीं आ पाओगे। तुम्हारे लिए डॉज बॉल ही ठीक है बच्चे, और कोई खेल नहीं बचा। अगर मेलोब्रुक स्कूल के नए डॉजबॉल प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। इस प्रतियोगिता में आमने सामने होंगे मराडर्स और किक पटाउस्की। तो मुझे अपना चैंपियन आखिर मिल ही गया। मूंगफली सर, अरे मैं हूँ सर, लंबे हाथों वाला न्यूमैन सर। बच गई घंटी।
ताज़ा ठंडा पानी पीकर स्कूल का नया साल शुरू करने का मजा ही कुछ और है। कहा गए ना चकमा चकमे बद्दूर से? चश्मे बद्दूर, इसका ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। ये नाम तो मैंने ही रखा है केक। तो मैं इसे ठीक करके ही रहूँगा। क्या बात है, तो हो जाए। गर्मी की छुट्टियां सिर्फ 186 दिन दूर हैं, तब तक देखते हैं तकदीर क्या क्या खेल दिखाती है, क्या क्या परोसती है थाली में, जैसे कि ये केक। पैडल मारते रहो, ये काम कर रहा है केक। पैडल, तकदीर ने दिया मगर हाथों से फिसल गया। हाय रे तकदीर, बहुत मजा आ गया केक। बहुत हो गया, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, आप रिटायरमेंट छोड़ के वापस आ जाइए प्लीज। कुछ तो गड़बड़ है। ऑस्कर, मिस्टर करेली, आप यहाँ कैसे? मैं नई वाइस प्रिंसिपल हूँ। केक बटर्स की तुम्हें सजा दी जाती है। सजा दी जाती है, पर क्यों? ये सब जो कुछ भी हुआ है मैंने नहीं किया। सजा मिलनी चाहिए ऑस्कर को। ऑस्कर, वो तो एक अच्छा डॉगी है सचमुच। स्कूल के बाद मुझसे मिलना। केक, भयंकर अफवाह फैली है कि इस साल एक नई वाइस प्रिंसिपल आ रही है। तुम्हें पता है वो कौन है? अफवाहें सही है यार, मिस्टर करेली ने किया। क्या? और पहला शिकार मैं हूँ। ना तुम पहले हो ना आखिरी हो। चिकरेली के शिकार की कई कहानियाँ इस स्कूल में मशहूर हैं। ओहा, जैसा मैंने कहा, भयंकर कहानियाँ। रिटायर होने से पहले चिकरेली ने सजा देने का रिकॉर्ड बनाया था। एक बार तो मुझे भी सजा दी थी। डर के लड़खड़ाना मना है, सजा मिलेगी तुम्हें। वो सजा मेरे करियर के रिकॉर्ड को पूरी तरह से खराब कर गई, बर्बाद कर गई। वो चिकरेली दिखेगी तो इस बार मैं उसका बदला जरूर लूंगा। ओके बेटा, तुम ठीक से रहना और सब्जियां खा लेना। फिक्र मत कीजिए, मैं सब्जियां खा लूंगा। यहाँ भोकना मना है, सजा मिलती है तुम्हें। क्या? मैं कहा भोका, वो तो ऑस्कर था। यहाँ खाना मना है। मैं खा नहीं रहा हूँ, दरअसल मैम मैं ये किसी और के लिए लाया हूँ। तुम्हें सजा मिलती है। देखो तो कैसे अच्छे डॉगी की तरह खा रहा है। टिश्यू पेपर्स बर्बाद मत करो। वाओ, मैंने कहा किया, ये तो ऑस्कर ने किया। बेवकूफ, तुम्हें सजा मिलती है। वो तुम्हारी जगह नहीं है। सजा मिली है। केंडल बैठ जाओ। केंडल, तुम यहाँ कैसे और तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें सजा मिली? उस बारे में बात मत करो। सजा मिली है फिर भी सुधरे नहीं। चुप रहो। बात करना, आंख मिचकाना मना है। पसीना नहीं आना चाहिए। तुम बच्चों को जरा भी समझ नहीं है। इस डीवीडी में मैंने तुम सब शरारती बच्चों के नाम लिखे हैं। कल सुबह मैं प्रिंसिपल को दे दूंगी ये नाम। तुम लोगों के रिकॉर्ड्स हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। आंख उभारना बंद करो। जो भी बिना गलती के यहाँ आया है हाथ ऊपर करो। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने गलती की, पर तुम लोगों को नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अब हम सबको रोकना होगा चिकरेली को। पर कैसे? एकजुट होकर। हम में से भले ही वो एक एक को सजा दे सकती है, पर अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो बाजी पलट देंगे। वाओ, कैसे? देखो रोनाल्डो, तुम जीनियस हो और कैंडल टीचर की फेवरेट है। और सुना है माउथ नजर बचाकर कुछ भी ला सकता है। वो तो सिर्फ एक अफवाह है। चाहो तो ये डीवीडी देख लो जो 1998 तोड़फोड़ प्रतियोगिता की है।
मेरे भी गुण बताओ केक। तुम में कौन से गुण नहीं है? जैसे भेष बदलना, तुम्बा बजाना और नाक से गाना। बस करो केक, मुझे शर्म आ रही है। और कमाल की नम्रता, हमारे भविष्य को बर्बाद करने का हक किसी को नहीं है। तो हम डिस्क हासिल करेंगे, तुम्हें बेकसूर साबित करेंगे और चिकर रैली का राज खत्म करेंगे जड़ से। चिकरोली, आपने मेरे स्कूल को अनुशासन का मैदान बना दिया है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा पेट भी आपको शुक्रिया कह रहा है। आपका भी शुक्रिया। और मेरे पास इस वक्त कुछ ऐसे शरारती बच्चों के नाम हैं, जिनके रिकॉर्ड पर हमेशा के लिए लाल निशान लगाना होगा। मिस चिकरोली, बाद में बात करते हैं, तकदीर मेरे लिए कुछ लाई है और इस बार मैं सैंडविच खोना नहीं चाहता हूँ। सजा मिलती है। ठीक है, स्कूल के बाद आकर मिलता हूँ। स्कूल के बाद नहीं, अभी। क्या दिया है उसने तुम्हें, दिखाओ तो जरा। जल्दी करो रोनाल्डो। स्कैंडल जैसे तैसे कर रहा हूँ ना। हाँ, 12:01 सैंडविच टाइम। हट जाओ। हाय प्रिंसिपल सर। टीचर्स की कैंटीन में स्टूडेंट्स। ओ केंडल, हमारी सबसे बढ़िया और होशियार स्टूडेंट, मैं बस कैचअप लेने आया था अपने सैंडविच के लिए। नहीं, आप ऐसा साधारण केचप मत लगाइएगा उस बढ़िया सैंडविच पर। उसके लिए तो एक बढ़िया केचप चाहिए, और इसलिए मैंने आपके ऑफिस में एक स्पेशल मसाला केचप की बोतल रखवा दी है। स्पेशल मसाला केचप? वाह, तभी तो तुम सारे स्कूल की लाडली स्टूडेंट हो। ओ अच्छा है, मैं टीचर्स की लाडली हूँ। हंगामा कर रहे हो, सजा मिलेगी तुम्हें। ऑस्कर, उस पे ध्यान रखना। ऑस्कर, ऑस्कर! शोदा को प्रिंसिपल एक दिन भूखे रह जाएंगे तो क्या भूचाल आ जाएगा? खा लो। काम पूरा हुआ। बढ़िया कोशिश थी बटोस्की। स्कूल की चीजें चुराने के जुर्म में अब तुम स्कूल से बाहर हो जाओगे। इस डीवीडी में सब बदमाश बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं। इनके नाम पर लाल निशान लगा दीजिए और बटोस्की को स्कूल से बाहर निकाल दीजिए। एकदम सही, सब खा जाओ। तुम थोड़े उस प्रिंसिपल जैसे मोटे हो, खाओ खाओ। मेरी तकदीर ने मुझे फिर से धोखा दिया। स्कूल कमेटी ने देख लिया कि मैंने कैसे यहाँ सबको सीधा कर दिया है, तो उस मोटू की छुट्टी और मैं बनूंगी प्रिंसिपल। रिकॉर्ड्स की वो डीवीडी गई कहाँ? ओह केक, मुझे फंसाया गया है सर। ये सब बटोस्की का किया धरा है। जो यहाँ नहीं है उसने आपको कैसे फंसाया जी? चिकरैली, तुम एक अहंकारी सैंडविच चोर हो, तुम्हें निकाला जाता है। जाने से पहले मैं तुम्हें दूंगा मजा सजा का। केंडल प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें किस बात की सजा मिली थी? कुछ नहीं, बस पिंक पेन से कुछ लिखा था। हे केक, तुम्हें पता है बंदर को सजा क्यों मिली? पता नहीं यार, बंदर को कैद क्यों मिली? क्योंकि वो क्लास के बाहर उछल कूद कर रहा था। यानी बंदर उछल कूद कर रहा था? नहीं नहीं, वो उछल रहा था।